यूपी के लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह अपनी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सुबह हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, लखनऊ से राजनाथ सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज सुबह बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजनाथ सिंह अपनी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और बीजेपी एक के बाद एक बैठक कर रही है जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि राजनाथ सिंह अपनी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह पर यह मुहर लगाई गई है कि वो लखनऊ से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से आज ये बड़ा फैसला लिया गया है, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक बीजेपी अपने दावेदार उतार रही है और आज ये अहम फैसला यूपी की सबसे बड़ी सीट लखनऊ के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे संवाददाता राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक के बाद एक चुनावी मैदान में लोगों को उतार रही है और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ लगता है कितना अहम होने वाला है ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरगर्मी बनी हुई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कैंडिडेटों का जो प्रतिनिधि है जो लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग करेंगे उनको देखते हुए जिस तरह से लखनऊ में राजनाथ सिंह का नाम लिया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जो कि इस समय अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और राजनाथ सिंह अभी वर्तमान के लखनऊ के विधायक भी है, और देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसलिए राजनाथ सिंह को टिकट का ऐलान कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए राजनाथ सिंह को लाना चाह रही है, क्योंकि जो अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है उसमें से कांग्रेस के कौन से मजबूत दावेदार होंगे जो राजनाथ सिंह को टक्कर देंगे और राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ में चुनाव लड़ेंगे। वही राष्ट्र अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो यूपी की सीट है लखनऊ वो काफी अहम मानी जाती है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि यूपी से ही फैसला होता है कि आखिर लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, तो इस तरीके के बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है तो क्या लगता है बीजेपी इससे और मजबूत होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो बड़े चेहरे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सूझबूझ के साथ चुनाव लड़ाती है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, और बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह इस समय सांसद भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है, वो देखती है कि कितने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, कितना मजबूत है, कौन टक्कर दे सकता है और किसके साथ इनकी चुनावी सरगर्मी होगी और कौन इनके साथ जो विपक्ष में होगा, वो किस कौन सा बड़ा चेहरा होगा, इसलिए इसको देखते हुए, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर बात करें तो जैसे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस अजय राय को लड़ाने के लिए दावेदारी की है, तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को अगर लखनऊ से लड़ाया जा रहा है तो ये बड़ी चुनौती होगी। जी राशिद, अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से लगातार रोज ना रोज एक बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं, क्या लगता है बाकी के नामों की सूची कब तक जारी हो सकती है? राशिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में भी बैठक कर रही है, अपने पदाधिकारियों को बुला रही है, और दूसरी बड़ी बात है कि अगर राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ा रही है तो राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं प्रभावशाली होंगे क्योंकि वर्तमान में सांसद भी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, तो वही तो लगातार जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहा है उसको देखते हुए प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से सूची जारी की जा रही है और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है राजनाथ सिंह को लेकर कि वो अपनी ही सीट लखनऊ से एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव की ये जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस और सभी दलों के बीच में, वो क्या नया मोड़ लेती है।